बच्चा आवाज आ रही है? यस मैम। गुड मॉर्निंग। इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालिए। चैप्टर नंबर 8 पर आइए। चैप्टर नंबर वैसे कहाँ तक हो गया था? कितने चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके थे बताइए। ग्रामर में 9 कहाँ से पहुंच गई आप? हम लोग आगे तक पढ़ चुके हैं, कहाँ तक पढ़ चुके हैं बताइए। बच्चों याद नहीं रहता है कुछ, कितनी बार बोले हैं कि मार्क कर लिया करिए पेज। मैम सेंटेंसेस पढ़ चुके थे? हाँ मैम मैं गांव चली गई थी, इसलिए मुझे ग्रामर का चैप्टर नहीं पता था। मैं बस दिस इंग्लिश दैट दीज दोज ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 14 यस जो मैम। नहीं था उसको नहीं पता, जो मैम था उसे क्यों नहीं पता है। चैप्टर नंबर 8 पर आइए, आज हम लोग रिवीजन करेंगे। जो जिसका जो भी छूटा है, जो भूल गया है, वो वापस से पढ़ेंगे। हाँ, डूइंग वर्ड्स। और पेज नंबर ये जो 50 है, इन ऑन अंडर ओवर नियर, इसको आप लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 16 वाला चैप्टर हमको पढ़ना है, 16 चैप्टर को मार्क कर लीजिए। ओके मैम, सिक्सटीन हाँ, पेज नंबर 53। हाँ, द सेंटेंस को मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला पढ़ेंगे आगे से, और सिर्फ 18 चैप्टर तक रह जाएगा पढ़ने के लिए। बाद में आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाला है, वो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आज हम लोग क्या करने ओके वाले हैं बताइए। रिवीजन हम हाँ, आज हम लोग रिवीजन करने रिवीजन करेंगे। चलिए, स्टार्ट करें। यस मैम yes, चलिए, डूइंग वर्ड्स। तो डूइंग वर्ड्स क्या थे बच्चों, बताइए जल्दी जल्दी। हम लोग पढ़ चुके हैं, डूइंग वर्ड्स क्या है। वर्ड्स मतलब करने वाला काम, जो हम लोग काम करते हैं, कभी राइट हाँ, करते हैं तो कभी डूइंग वर्ड्स मतलब गुड। डूइंग वर्ड्स मतलब इनको हम वर्ब भी कहते हैं, है ना।
जो भी हम क्रिया करते हैं, काम करते हैं, जैसे ईट, थिंक, वॉक, रन, है ना, ये सारे डूइंग वर्ड्स हैं। अ वर्ड दैट टेल्स अस दैट अ पर्सन और एन एनिमल और अ थिंग डज इज कॉल्ड अ डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और वर्ब। डूइंग वर्ड्स को हम लोग एक्शन वर्ड और वर्ब भी कहते हैं। जैसे क्लाइम, सिंग, पुल, रिंग, स्पीक, ड्रॉ, ये सारे क्या हैं आपके? डूइंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्या था चैप्टर? इज एम आर। तो इज एम आर में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों? इज मतलब जब सिंगुलर के साथ, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि एक होता है कोई, तो एक के साथ जब यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस का तो हम लोग इज लगाते हैं। जैसे माय नेम इज टीना, दिस इज अ प्रिटी फ्लावर, दिस इज माय बैग एंड दिस पोयम इज वेरी लॉन्ग। तो सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। एम आपको पता है हम लोग हमेशा किसके साथ लगाते हैं? एम आई के साथ, है ना, देखिए हमेशा आई के साथ। हाँ, जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम इन क्लास 1, आई एम 6 years ओल्ड, आई एम टॉल, हमेशा आई के साथ एम लगेगा। समझ रहे हैं सब लोग? जी क्या बोल रही हो अविका? मैं ही 6 years की हूँ। वाह, तो ये आपके लिए भी है ना कि आई एम 6 years ओल्ड एंड आई एम अ गर्ल और आई एम इन क्लास, वन किस क्लास में हो? वन वन। नेक्स्ट क्या है? आर। जैसे इज जो है वो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ लगता है, एक के साथ लगता है, वैसे ही आर सिंगुलर, सॉरी, प्रेजेंट टेंस में कई के साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है। समझ रही हो? जैसे सिंगुलर के साथ इज लगता है प्रेजेंट टेंस में, वैसे ही प्लूरल के साथ आर लगता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट टेंस क्या होता है? टेंस आप लोग को पता होगा, प्रेजेंट टेंस क्या है बताइए? क्या होता है प्रेजेंट टेंस? करेक्ट, जो इस समय हो रहा है ना, जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत चुका है वो पास्ट है, जो आने वाला है वो फ्यूचर है ना। तो ये इज जो है प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है प्रेजेंट टेंस में। जैसे प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा लोग, अमित एंड आई, अमित और मैं मतलब दो लोग हो गए तो हम दोनों मिलकर प्लूरल बन गए। तो अमित एंड आई आर फ्रेंड्स, हम दोनों अमित और मैं फ्रेंड्स हैं। वी आर इन द सेम स्कूल, हम लोग एक ही स्कूल में हैं। यू आर बींग नॉटी, तुम बहुत शरारती हो। दोज डॉल्स आर न्यू, वो जो डॉल्स है वो नई है। वी यूज इज विद सिंगुलर नेमिंग वर्ड एंड द प्रोनाउन ही शी एंड इट। हम लोग इज हमेशा सिंगुलर नेमिंग वर्ड, सिंगल के साथ हम लोग इज लगाते हैं, जैसे ही शी इट, जैसे द जिराफ इज अ टॉल एनिमल, ही इज हेल्पफुल, शी इज अ पेंटर, इट इज अ डॉग। नेक्स्ट वी यूज एम विद आई, आई एम स्टूडेंट, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, मुझे डांसिंग का बड़ा शौक है। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। आई एम गोइंग कैंपिंग टूडे, मैं आज कैंपिंग के लिए जा रही हूँ। We use are with plural naming word, जैसे बच्चों पढ़िए ये वाला plural वाला, क्या options है इसके? पढ़ो मैम, आर हम लोग प्लूरल के साथ लगाते हैं, क्या क्या है? पहला पहला आंसर लिखा है दिस इज आर कार्स आर न्यू, मतलब ये दोनों कार्स नई हैं और ये बहुत शाइन कर रही हैं। वेरी गुड। ये पढ़ो नेक्स्ट
और दूसरा क्वेश्चन है, वी आर कजिन्स, जी। मेरे कजिन्स हैं। और लोग पढ़िए, आदित्य आप बताइए नेक्स्ट वाला क्या लिखा है। दो अविका ने बताया यू आर हेल्पफुल, जी वेरी यू आर गुड। हेल्पफुल, एंड लास्ट है, दे आर लास्ट क्या टीचर, है, ये मेरी वेरी अध्यापिका गुड अविका, वेल डन। अब आते हैं चैप्टर पर, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। अब इसमें इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगेगी। इज एम आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की डूइंग वर्ड्स में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी। वर्ब मतलब होता है डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे हम लोग। जैसे वी यूज आईएनजी वर्ड्स टू शो एक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आईएनजी तब लगेगा जब हम लोग जो बात बोल रहे हैं वो बोलते टाइम ही हो रही है। मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं कि अविका खाना खा रही है, तो जब हम बोल रहे हैं कि अविका खाना खा रही है तो उस टाइम पे भी वो खाना खा ही रही होगी ना, तभी तो हम बोल रहे हैं कि वो खाना खा रही है। तो ये आईएनजी तभी लगेगा जब हम कोई भी सेंटेंस बोलेंगे और वो चीज उस समय हो रही होगी, रही है, रहा है, ये आता है इसमें। जैसे अनिल एंड रोहित आर प्लेइंग फुटबॉल, सारा एंड पूनम आर टॉकिंग, वरुण इज स्लाइडिंग डाउन, सीमा इज जॉगिंग। सब में देखो वर्ब में आईएनजी लगा है, एक्शन वर्ड में जैसे प्ले में आईएनजी लगा है प्लेइंग हो गया है, टॉक में आईएनजी लगाकर टॉकिंग हो गया है, स्लाइड में आईएनजी लगाकर स्लाइडिंग हो गया है। तो ऐसे ही आईएनजी सब में लगेगा। रिमेंबर दैट डूइंग वर्ड्स एंडिंग विद ई फॉर्म द आईएनजी स्पेलिंग बाय ड्रॉपिंग द ई एंड एडिंग आईएनजी। ये याद रखिएगा, जब भी कोई स्पेलिंग में लास्ट में ई होता है, कोई भी वर्ब है, क्रिया है, उसमें लास्ट की स्पेलिंग जो है वो ई है, तो जब उसमें आईएनजी लगाते हैं तो ई को ड्रॉप करके उसकी जगह पर आईएनजी लगा देते हैं। जैसे स्लाइड, SLIDE होता है ना स्लाइड, लेकिन जब हम लोग स्लाइडिंग करेंगे आईएनजी लगाएंगे तो ई हटा देंगे, सिर्फ आईएनजी लगा देंगे। डूइंग वर्ड्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, पहले कॉन्सोनेंट होगा, फिर वोवेल होगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा। जैसे कॉन्सोनेंट है जे, वोवेल है ओ, फिर कॉन्सोनेंट है जी, तो कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। तो जब इसको हम लोग चेंज करेंगे आईएनजी में तो क्या कर देंगे, आईएनजी स्पेलिंग बाय डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट एंड एडिंग आईएनजी। ये हमने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है कि इसको क्या कर देंगे हम लोग, लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको क्या करेंगे, डबल डबल कर देंगे, ये हो जाएगा जॉगिंग, है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, सबको याद है कि नहीं हम लोग पढ़े हैं ये बताइए। नहीं, पढ़े तो है ही, याद है कि नहीं, आता है कि नहीं। सबको याद है, समझ में आया था सब, नेक्स्ट आते हैं हम लोग हैज और हैव पर। क्या था हैज और हैव बताओ, फजीर आदित्य अविका, हैज हैव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए। वी यूज हैड एंड हैव टू शो बिलोंगिंग। बिलोंगिंग मतलब ये मेरा है, ये उसका है, ये अपना है ना, बिलोंगिंग। बिलोंगिंग मतलब जो जुड़ा हुआ है किसी से। तो वी यूज हैज टू शो दैट समवन और समथिंग बिलोंग्स टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हैज सिंगुलर के साथ लगेगा, हैज हमेशा किसी एक के बारे में बताने के लिए लगेगा, किसी एक की बिलोंगिंग बताने के लिए लगेगा। और जैसे ही
हेमा हैज अ ब्लू ड्रेस, हेमा के पास ब्लू ड्रेस है. दिल्ली हैज मेनी मॉन्यूमेंट्स, दिल्ली में बहुत सारी इमारतें हैं. अ ज़ेब्रा, वो सभी सिंगुलर है, जैसे हेमा, दिल्ली, ज़ेब्रा. हैज स्ट्राइप्स, दिस टेबल हैज ओनली थ्री लेग्स, इस टेबल के सिर्फ तीन लेग्स हैं. समझ रहे हो ना, ये आपका क्या बता रहा है, एक किसी पर्सन, प्लेस और एनिमल या थिंग का बिलोंगिंग बता रहा है. बिलोंगिंग कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है, जिस पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात हो रही है, वो सिंगल ही है. जैसे हेमा एक है, दिल्ली एक है, ज़ेब्रा एक है, टेबल एक है. अब वी ऑल्सो यूज हैव विद वर्ड सच एज ही, शी, इट. ही, शी, इट भी सिंगुलर में आता है, तो इनके साथ भी हम लोग हैज का यूज करते हैं. जैसे ही हैज फाइव इरेजर्स, उसके पास पांच इरेजर्स हैं. शी हैज अ न्यू स्क्रैप बुक, उसके पास एक नई स्क्रैप बुक है. न्यूयॉर्क इज अ ब्यूटिफुल सिटी, न्यूयॉर्क एक बहुत सुंदर शहर है. इट हैज, इट यानी कि शहर की बात कर रहे हैं, तो इट लगाया हमने प्रोनाउन शहर की जगह पर, न्यूयॉर्क की जगह पर हमने इट का यूज किया है. इट हैज पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क में सारी दुनिया से आकर लोग रहते हैं. नेक्स्ट देखिए, वी यूज हैव टू शो दैट समवन और समथिंग बिलोंग्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. हम लोग हैव का यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि कोई व्यक्ति या कोई भी थिंग या कोई प्लेस या कोई एनिमल जो है वो एक से ज्यादा है और उसकी बिलोंगिंग. जैसे द चिल्ड्रन, आपको पता है अगर चाइल्ड होगा तो वो एक होगा ना, बच्चा. लेकिन अगर हमने चिल्ड्रन लिख दिया, द चिल्ड्रन हैव अ जार फुल ऑफ टॉफीज, बच्चों के पास जार भर कर टॉफीज हैं. एंड मुंबई एंड चेन्नई, अब मुंबई और चेन्नई मिलकर प्लूरल हो जाएंगे ना, दो हो जाएंगे, तो मुंबई एंड चेन्नई हैव. हमने आपको बताया कि प्लूरल के साथ हैव लगेगा बिलोंगिंग बताने के लिए, जैसे सिंगुलर के साथ क्या लग रहा था बताइए, हैज. सिंगुलर के साथ हैव लग रहा था, वैसे ही प्लूरल के साथ हैव लग रहा है. जैसे मुंबई एंड चेन्नई हैव मैनी टूरिस्ट प्लेसेस. एलिफेंट्स हैव बिग ईयर्स. दीज टेबल्स हैव फोर लेग्स. देखो टेबल दो हो गई ना यहाँ पर, प्लूरल है तो टेबल दो हो जाएगी. अब प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ये सारे प्लूरल प्रोनाउन हैं, इनके साथ भी हैव लगेगा. जैसे आई हैव थ्री चॉकलेट, देखो आई होता तो मैं है, मैं यानी कि एक इंसान, लेकिन आई को हमेशा जब ग्रामर में यूज करेंगे तो हम लोग प्लूरल के साथ यूज करेंगे, प्लूरल की तरह यूज करेंगे, लेकिन उसका मीनिंग होता है कि मैं एक, है ना. तो आई हैव थ्री चॉकलेट, मेरे पास तीन तीन चॉकलेट हैं. एंड वी हैव अ पेट डॉग. वी मतलब क्या होता है, हम, है ना, हम अपने आप में ही प्लूरल है, हम मतलब कई सारे लोग ना, तो वी हैव अ pet dog. Next है कि you have beautiful hair. अब you मतलब कहते तो हम लोग एक लोग को हैं कि you are beautiful या you are my brother, लेकिन you जो है वो कईयों के लिए भी तो use कर सकते हैं ना. जैसे कई सारे लोग खड़े तो हम लोग क्या बोलेंगे, you all of you are very naughty. तो you लगाएंगे तो plural भी कहेंगे और singular भी कहेंगे, लेकिन use हम इसको हमेशा प्लूरल की तरह करेंगे. तो यू हैव ब्यूटिफुल हेयर, तुम्हारे बाल बहुत ब्यूटिफुल हैं. दे हैव अ न्यू बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स. दे मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए दे की मीनिंग क्या है हिंदी. वे, हाँ, तो वे जो है वो प्लूरल में आता है ना, वे मतलब वे लोग. तो They have a new box of crayons. उनके पास crayons का नया box है. तो ये आपका हो गया have का use. Next chapter कौन सा था?
चैप्टर है ए एंड द। ए एंड द जो होता है इसको हम आर्टिकल भी कहते हैं। आर्टिकल मतलब ए एंड द, और ए एंड द मतलब आर्टिकल, है ना। इसको ग्रामर में हम आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे देखिए ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। वी यूज देम बिफोर नेम्स ऑफ पीपल प्लेसेस एनिमल्स एंड थिंग्स। हम लोग इनको किसके पहले यूज करते हैं? बिफोर नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के, प्लेसेस जगहों के, एनिमल्स जानवरों के एंड थिंग्स चीजों के, इंसानों के, जानवरों के, चीजों के और किसी स्थान के, किसी जगह के नाम के पहले यूज करते हैं किसको? आर्टिकल्स ए एंड द को। समझ रहे हो ना? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। Yes. चलो वी यूज, हाँ वी यूज ए विद अ सिंगुलर वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट आपको पता है वोवेल्स जो पांच है उनको छोड़कर बाकी सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, है ना। तो हम लोग ए को हमेशा कॉन्सोनेंट के पहले लिखते हैं। जैसे फ्रॉक हो गया, गार्डन हो गया, इन सब के आगे हम ए लिखेंगे। ए मतलब होता है एक। जब कोई एक चीज के बारे में बोलेंगे तभी हम ए या एन का यूज करेंगे। तो अ फ्रॉक, अ गार्डन, अ पेंसिल, अ सैंडविच, तो ये सारे अ यानी कि ए। अगर हम एन का यूज करेंगे तो किसके साथ करेंगे? वोवेल के साथ। वोवेल कौन कौन से हैं जल्दी बताओ फटाफट। वोवेल कौन कौन से हैं? नहीं नहीं वोवेल E-I-E-I-O-U, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? एंड आर्टिकल लगाएंगे। हाँ, तो एन एप, एन आइसलैंड, एन अनियन, एन अम्ब्रेला। फिर वी यूज द विद थिंग्स दैट आर वन ऑफ अ काइंड। अब कोई एक चीज की अगर हम बात करेंगे जो दुनिया में एक हो या बहुत खास हो या बहुत स्पेसिफिक चीज हो कोई, तो उसके साथ हम लोग हमेशा द का यूज करेंगे। द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे ताजमहल कितने हैं दुनिया में? ताजमहल दुनिया में कितने हैं बताइए? चार हैं? एक ही है। तो जो भी चीजें वन ऑफ अ काइंड है उनके साथ हमेशा हम द का यूज करेंगे। जैसे द ताजमहल, द लोटस टेम्पल, द सन, द मून। वी ऑल्सो यूज द विद थिंग्स दैट द स्पीकर एंड द लिसनर ऑलरेडी नो अबाउट। अगर कोई जो बोल रहा है जिस बात को हम कह रहे हैं बाकी में, उसको जो बोलने वाला या सुनने वाला जानता है पहले से, जो स्पेसिफिक कोई बात है जिसके बारे में पहले से हमें जानकारी है, उसके बारे में भी बोलने से पहले हम द लगाएंगे। जैसे दिस इज दी स्टोरी बुक आई बॉट फॉर यू यस्टरडे। ये वही स्टोरी बुक किताब है, स्टोरी की किताब है जो मैंने आपके लिए कल खरीदी थी। तो यानी कि मैं स्टोरी बुक के बारे में जानती हूँ पहले से, तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। लेट कलर द ड्रॉइंग यू हैव मेड। जो आपने ड्राइंग करी है, यानी कि अगर मैं आपसे कहती हूँ आदित्य कि जो आपने ड्राइंग करी है, यानी कि उस ड्राइंग के बारे में आप पहले से जानते हो, तो उस ड्राइंग के लिए, उस पर्टिकुलर ड्राइंग की बात करेंगे तो उसके पहले भी हम द लगाएंगे। जैसे लेट कलर द ड्राइंग यू हैव मेड, चलो उस ड्राइंग का कलर करते हैं जो आपने पहले से बनाई हुई है। आई कैन नॉट फाइंड द स्क्रैप बुक यू गेव मी। अब स्क्रैप बुक जो आपने मुझे दी थी, यानी कि आप उसको जानते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्क्रैप बुक की बात हो रही है जिसके बारे में हम दोनों को पता है, तो उसके पहले भी द लगाएंगे। फिर वेयर इज द बुक वी वर रीडिंग यस्टरडे, कल हम दोनों जो किताब पढ़ रहे थे वो किताब कहाँ गई? तो ये भी आपका एक तरह से जानने वाली चीज है, तो हम लोग इसके साथ भी द लगाएंगे। तो बच्चों रिविजन समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत? आ रहा है समझ में? Yes, नहीं आ रहा? आ रहा है। Yes, ma'am, आ रहा। अभी तो आपने नो बोला। मैंने तो धीरे से यस बोला।
अच्छा धीरे से नहीं बोलना है ना, एकदम एनर्जी के साथ बोलना है। तो हम लोग ने पढ़ लिया 12 चैप्टर तक, रिवीजन किया। नेक्स्ट देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, हमने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं। डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब का मतलब, अगर हम बोलते हैं कि अविका अपने बारे में डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब करोगी तो क्या करोगी कि माय नेम इज, अपने बारे में अपना नाम बताओगी, कहाँ रहती हो बताओगी, क्या पसंद है, क्या खाते हो, है ना, ये सब बताओगी। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं, समझ रहे हो ना, और ज्यादा हमें पता चलता है उसके बारे में। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव भी कहते हैं। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, क्वालिटी, किसी का गुण, किसी के अंदर की जो खूबियां होती हैं, है ना। जैसे आई ड्रू अ सिल्वर स्पेसशिप, मैंने एक स्पेसशिप बनाया, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या बताई मैंने कि वो सिल्वर कलर का था। तो जो सिल्वर कलर है वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, वो एक क्वालिटी हो गई मेरे स्पेसशिप की। समझ में आ रही बात? जहां ना समझ में आए वो तुरंत बताना है कि मैम ये चीज समझ में नहीं आ रही है। फिर नेक्स्ट क्या है, रवि कॉट अ बिग फिश। अब रवि ने मछली पकड़ी है तो ठीक है, लेकिन हम मछली की क्वालिटी भी बताएंगे, उसका एडजेक्टिव भी बताएंगे। और उसका एडजेक्टिव क्या है बच्चों, बिग, मतलब रवि ने बड़ी मछली, बिग है, हाँ। तो बिग, स्मॉल, सिल्वर, फोर, वन, ये सारा जो है एडजेक्टिव कहलाता है। इंटेलिजेंट, अगली, ब्यूटीफुल, ये सारी जो क्वालिटीज है किसी नाउन के बारे में पता चलती है, इनको ही हम उनका क्वालिटी और गुण या फिर एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड चाहे जो कह लो यही कहते हैं, ठीक। फोर बॉयज वर प्लेइंग ऑन द स्विंग। अब यहाँ पे क्या है बताइए, क्या क्वालिटी बताई जा रही, क्या हमको डिस्क्राइब किया जा रहा है, किस बारे में ज्यादा पता चल रहा है आपको। फोर बॉयज वर प्लेइंग द ऑन द स्विंग, क्या है बताइए। फोर बॉयज, यहाँ पर फोर हमें पता चल रहा है कि लड़के कितने हैं, फोर है, चार लड़के हैं। तो डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये चार शब्द है, चार जो शब्द है फोर, ये हमें डिस्क्राइब कर रहा है लड़कों की क्वांटिटी के बारे में कि कितने लड़के हैं, समझ रहे ना। हमें जो एडजेक्टिव है वो क्वांटिटी भी बताएगा, किसी का खासियत भी बताएगा, कलर भी बताएगा, है ना, ये सारी चीजें हमें एडजेक्टिव से या डिस्क्राइबिंग वर्ड से पता चलती है। नेक्स्ट क्या था, दिस दैट दीज दोज। दिस मतलब होता है यह, दैट मतलब होता है वह, दिस मतलब कोई एक चीज जो हमारे पास है, दैट मतलब कोई एक चीज जो हमसे दूर रखी हुई है, समझ रहे हो। नियर वाली दिस है, फार वाली दैट है, नियर वाली दिस है, फार वाली दैट है, समझ में आ रहा है। यस मैम, यस मैम। दीज मतलब होता है ये, और दोज मतलब होता है वो। दीज मतलब ये, दोज मतलब वो। दीज मतलब क्या है, कई सारी चीजें हैं लेकिन हमारे पास है। दीज मतलब कई सारी चीजें हैं लेकिन हमारे पास है। दोज मतलब कई सारी चीजें हैं लेकिन हमसे कहाँ है, दूर है, दूर है। तो दिस मतलब या, दैट मतलब वह, दिस मतलब पास में एक, दैट मतलब दूर पे एक। दीज मतलब ये, दोज मतलब वो। दीज मतलब पास में ढेर सारी है, और दोज मतलब दूर पे ढेर सारे हैं, समझ गए। यस मैम। चलो, इन मतलब हमने आपको बताया था, इनका मतलब होता है में, है ना, अंदर, इनका मतलब में, ठीक। फिर द लैम्प इज कैप्ट, नहीं, द बॉय इज राइटिंग इन हिज नोटबुक, नोटबुक में लिख रहा है ना, नोटबुक में लिख रहा है, नोटबुक के अंदर लिख रहा है। फिर ऑन मतलब ऊपर, याद है ना कसबीर, ऑन मतलब ऊपर। द लैम्प इज कैप्ट ऑन द टेबल, तो लैम्प जो है वो टेबल के ऊपर है। अंडर मतलब नीचे ना, अंडर मतलब नीचे, कैसे,
द गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री, ट्री के नीचे है ना लड़की, तो द गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री. फिर ओवर, ओवर मतलब ऊपर से उड़ रहा है ना, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री. ऑन मतलब पर था, टेबल के ऊपर पर है लेकिन पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, पर नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ ऊपर आएगा. जो बर्ड है वो पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, ओवर. अ काउ इज गेजिंग नियर द ट्री, नियर मतलब पास में, पास में, पास में. वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे. तो ये आपका रिवीजन यहाँ पे एंड होता है. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 16 चैप्टर, है ना, उसके बाद आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे. चलो बाय बाय बच्चों. बाय मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय बाय मैम, थैंक यू मैम.